स्टार्ट। बीते दिनी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते उन्हां दी बंगलादेशी हमरुतबा शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही तीन अहम विकास प्रोजेक्टां दा सांझे तौर उत्ते उद्घाटन किया, जिस नाल बिना शक दोवां देशां विचाले संबंध होर बेहतर होए अते आपसी सहयोग भी होर वध्या है। डंडी इन्हां प्रोजेक्टां विच भारत बंगलादेश नूं जोड़न वालियां दो रेल योजनावां अखौरा अगरतला क्रास बार्डर रेल लिंक, मेघला पोर्ट रेल लाइन अते एक बिजली प्लांट मैत्री सुपर थर्मल प्लांट दी दूजी यूनिट शामिल है। डंडी अखौरा अगरतला क्रास बार्डर रेल लिंक भारत सरकार द्वारा बंगलादेश नूं दित्ती गई 392.52 करोड़ रुपए दी ग्रांट नाल बनाया गया है। डंडी ए 12.4 किलोमीटर लंबा है। डंडी बंगलादेश विच इस दी लंबाई 6.78 किलोमीटर है। डंडी भारत दे त्रिपुरा विच इस दी लंबाई 5.46 किलोमीटर है। डंडी खुलना मोगला पोर्ट रेल लाइन योजना नूं भारत सरकार दी रियायती कर्ज योजना दे तहत 388.92 मिलियन अमरीकी डालर दी लागत नाल तैयार किया गया है। डंडी इस योजना विच मोगला बंदरगाह ते खुलना विचकार मौजूद रेल नेटवर्क दे लगभग 65 किलोमीटर ब्रांड ब्रिज रेल मार्ग दा निर्माण शामिल है। डंडी स्टार्ट। इस योजना नाल बंगलादेश दी सब तो वड्डी बंदरगाह मोगला ब्रांड ब्रिज नेटवर्क नाल भी संपर्क जुड़ गया है। डंडी मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट लई भी भारत ने बंगलादेश नूं 1.6 बिलियन अमरीकी डालर दा कर्ज दिता है। डंडी इस योजना नूं इस कर्ज नाल पूरा किया गया है। डंडी ए 13.20 मेगावाट पावर प्लांट बंगलादेश दे खुलना डिवीजन दे रामपाल विच बनाया गया है। डंडी दोवां देशां दे प्रधानमंत्रियां ने सितंबर 2022 विच इस दे पहली यूनिट दा उद्घाटन किया सी। डंडी प्रधानमंत्री ने इस अवसर उत्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही संबोधन करदिआं कहा कि अखौरा अगरतला रेल लाइन भारत दे उत्तर पूर्वी राज्यां अते बंगलादेश दे विचकार पहला रेल संपर्क है। डंडी इस दा उद्घाटन एक इतिहासिक पल है। डंडी पिछले 9 सालां विच असी मिल के इन्ना कम किया है जो पिछले दहाकियां विच नहीं होया। डंडी बंगलादेश दी प्रधानमंत्री ने कहा भारत बंगलादेश विचकार उक्त तीनों प्रोजेक्टां दा सांझा उद्घाटन साडी पक्की दोस्ती अते सहयोग नूं दर्शाउंदा है। डंडी शेख हसीना ने दोवां देशां विचकार दोस्ती नूं मजबूत करन लई भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी प्रशंसा कीती। डंडी
7 महीने पहला मार्च 2023 ਵਿੱਚ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਅਤੇ शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ਰਾਹੀਂ